नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल SAP ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे देश की राजधानी दिल्ली के 10 प्रमुख पर्यटन स्थल की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी यह वीडियो। दोस्तों, दिल्ली में घूमने के लिए सैकड़ों जगह हैं। उन्हीं जगहों में से 10 प्रमुख जगहों के बारे में आज हम बात करेंगे। नंबर 1, लाल किला। लाल किला दिल्ली के ऐतिहासिक किलेबंद पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित है, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। किले को लाल किला इसकी दीवारों के लाल रंग के कारण कहा जाता है। इस ऐतिहासिक किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल चयनित किया गया था। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला देश की आन बान शान और देश की आजादी का प्रतीक है। मुगल काल में बना यह ऐतिहासिक स्मारक विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल है और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। लाल किला के सौंदर्य, भव्यता और आकर्षण को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और इसकी शाही बनावट और अनूठी वास्तुकला की प्रशंसा करते हैं। सन 1648 ईस्वी में शाहजहां द्वारा बनवाए गए इस भव्य किले के अंदर एक बेहद सुंदर संग्रहालय भी बना हुआ है। करीब 250 एकड़ जमीन में फैला यह भव्य किला मुगल राजशाही और ब्रिटिशर्स के खिलाफ गहरे संघर्ष की दास्तान बयां करता है। वहीं भारत का राष्ट्रीय गौरव माने जाने वाले इस किले का इतिहास बेहद दिलचस्प है। देश की जंग-ए-आजादी का गवाह रहा लाल किला मुगलकालीन वास्तुकला, सृजनात्मकता और सौंदर्य का अनुपम और अनूठा उदाहरण है। स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री इसी लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं तथा पूरे देश को संबोधित करते हैं। नंबर 2, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दक्षिणी दिल्ली के महरौली में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर यानी 239.5 फीट और व्यास 14.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर शिखर पर 2.75 मीटर यानी 9.2 फीट हो जाता है। इसमें 379 सीढ़ियां हैं। मीनार के चारों ओर बने अहाते में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं, जिनमें से अनेक इसके निर्माण काल सन 1192 के हैं। यह परिसर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया है। अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित एवं उससे आगे निकलने की इच्छा से दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण सन 1193 ईस्वी में आरंभ करवाया, परंतु वह केवल इसका आधार ही बनवा पाया। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को बढ़ाया और सन 1368 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जिस पर कुरान की आयतों की एवं फूल बेलों की महीन नक्काशी की गई है। कुतुब मीनार लाल और बफ सैंड स्टोन से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। नंबर 3, गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब। गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण गुरुद्वारों में से एक है। यह अपने स्वर्ण मंडित गुंबद शिखर से एकदम ही पहचान में आ जाता है। यह नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर गोल मार्केट नई दिल्ली के निकट स्थित है। यह गुरुद्वारा मूलतः एक बंगला था जो जयपुर के महाराजा जय सिंह का था। सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन सिंह जी यहाँ अपने दिल्ली प्रवास के दौरान रुके थे। उस समय चेचक और हैजा की बीमारियां फैली हुई थीं। गुरु महाराज ने उन बीमारियों के मरीजों को अपने आवास से जल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई थीं। अब यह जल स्वास्थ्य वर्धक, आरोग्य वर्धक और पवित्र माना जाता है और विश्व भर के सिखों द्वारा ले जाया जाता है। यह गुरुद्वारा अब सिखों और हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ है। नंबर 4, प्रधानमंत्री संग्रहालय। प्रधानमंत्री संग्रहालय स्वतंत्रता के बाद से भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्रियों को श्रद्धांजलि के रूप में बनाया गया एक संग्रहालय है, जिसका उद्घाटन 14 अप्रैल 2022 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है।
यह संग्रहालय प्रत्येक प्रधानमंत्रियों ने राष्ट्र के विकास में कैसे योगदान दिया है इसका एक वर्णनात्मक रिकॉर्ड है। संग्रहालय 3 मूर्ति एवेन्यू में स्थित है, जिसे पहले नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय के रूप में जाना जाता था, जिसमें पुनर्निर्मित भवन और नई पुनर्विकसित नई गैलरी है। संग्रहालय में 2 मुख्य भवन हैं और प्रत्येक भवन के प्रवेश द्वार पर एक स्वागत कक्ष है। संग्रहालय की प्रत्येक इमारत में दीर्घाएं हैं जो भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री को समर्पित हैं, जो राष्ट्र के निर्माण में उनके प्रमुख और महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती हैं। संग्रहालय में संविधान की दीर्घाएं और इसके निर्माण यादगार हैं। नंबर 5, इंडिया गेट। इंडिया गेट को मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है। नई दिल्ली के राजपथ पर स्थित 43 मीटर ऊंचा विशाल गेट है। यह स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे पूर्व में किंग्सवे कहा जाता था। इसका डिजाइन सर एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। यह स्मारक पेरिस के आर्क दे ट्रायंफ से प्रेरित है। इसे सन 1931 ईस्वी में बनाया गया था। मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाने जाने वाले इस स्मारक का निर्माण अंग्रेज शासकों द्वारा उन 90,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्धों में शहीद हुए थे। यूनाइटेड किंगडम के कुछ सैनिकों और अधिकारियों सहित 13,300 सैनिकों के नाम गेट पर उत्कीर्ण हैं। अनाम सैनिकों की स्मृति में यहां एक राइफल के ऊपर सैनिक की टोपी सजा दी गई है, जिसके चारों कोनों पर सदैव एक ज्योति जलती रहती है। इस अमर जवान ज्योति पर प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री व तीनों सेनाध्यक्ष पुष्प चक्र चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ यह स्मारक दर्शनीय है। नंबर 6, अक्षरधाम मंदिर। नई दिल्ली में बना स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर एक अनोखा सांस्कृतिक तीर्थ है। इसे ज्योतिर्धर भगवान स्वामी नारायण की पुण्य स्मृति में बनवाया गया है। यह परिसर 100 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर होने के नाते 26 दिसंबर 2007 को इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। अक्षरधाम मंदिर को गुलाबी, सफेद संगमरमर और बलुआ पत्थरों के मिश्रण से बनाया गया है। इस मंदिर को बनाने में स्टील, लोहे और कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया। मंदिर को बनाने में लगभग 5 साल का समय लगा था। करीब 100 एकड़ भूमि में फैले इस मंदिर को 11,000 से ज्यादा कारीगरों की मदद से बनाया गया। पूरे मंदिर को 5 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। मंदिर में उच्च संरचना में 234 नक्काशीदार खंभे, 9 अलंकृत गुंबदों, 20 शिखर होने के साथ 20,000 मूर्तियां भी शामिल हैं। मंदिर में ऋषियों और संतों की प्रतिमाओं को भी स्थापित किया गया है। नंबर 7, कमल मंदिर। लोटस टेंपल या कमल मंदिर भारत की राजधानी दिल्ली के नेहरू प्लेस कालकाजी मंदिर के पास स्थित एक बहाई ईरानी धर्म संस्थापक बहाउल्लाह के अनुयायी उपासना स्थल है। इसका निर्माण सन 1986 ईस्वी में किया गया। यह अपने आप में एक अनूठा मंदिर है। यहाँ पर न कोई मूर्ति है और न ही किसी प्रकार का कोई धार्मिक कर्मकांड किया जाता है। इसके विपरीत यहाँ पर विभिन्न धर्मों से संबंधित विभिन्न पवित्र लेख पढ़े जाते हैं। भारत के लोगों के लिए कमल का फूल पवित्रता तथा शांति का प्रतीक होने के साथ ईश्वर के अवतार का संकेत चिन्ह भी है। कमल मंदिर में प्रतिदिन देश और विदेश के लगभग 8 से 10 हजार पर्यटक आते हैं। आने वाले सभी पर्यटकों को बहाई धर्म का परिचय दिया जाता है और मुफ्त बहाई धार्मिक सामग्री वितरित की जाती है। यहाँ का शांत वातावरण प्रार्थना और ध्यान के लिए सहायक है। नंबर 8, कालकाजी मंदिर। कालकाजी मंदिर देश की राजधानी दिल्ली का एक लोकप्रिय और अत्यधिक सम्मानित मंदिर है। कालकाजी मंदिर दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी में स्थित है, एक ऐसा इलाका जिसने अपना नाम मंदिर से लिया है और प्रसिद्ध कमल मंदिर और इस्कॉन मंदिर के नजदीक है। यह मंदिर कालका देवी, देवी शक्ति या देवी दुर्गा के अवतारों में से एक को समर्पित है। मंदिर अरावली माउंटेन रेंज के सूर्यकुट्टा पर्वत पर स्थित है।
यही कारण है कि हम माँ कालका देवी को सूर्यकुट्टा निवास के रूप में बुलाते हैं। कालकाजी मंदिर को जयंती पीठ या मनोकामना सिद्ध पीठ भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि भक्तों की सभी इच्छाएं देवी कालका ने यहाँ पूरी की है। सामान्य धारणा यह है कि यहाँ देवी कालका की छवि एक आत्मनिर्भर है और यह मंदिर सतयुग की तारीख है, जब देवी कालका ने अन्य विशाल राक्षसों के साथ दानव रक्तबीज का वध किया था। यह स्थान घूमने तथा दर्शन करने के नजरिए से अच्छा माना जाता है। नंबर 9, हुमायूं का मकबरा। इमारत परिसर मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा स्मारक है। यह नई दिल्ली के दीनापनाह अर्थात पुराने किले के निकट निजामुद्दीन पूर्व क्षेत्र में मथुरा मार्ग के निकट स्थित है। गुलाम वंश के समय में यह भूमि किलोकरी किले में हुआ करती थी और नसीरुद्दीन के पुत्र तत्कालीन सुल्तान के कुबाद की राजधानी हुआ करती थी। यह मुख्य इमारत मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है और इसमें हुमायूं की कब्र सहित कई अन्य राजसी लोगों की भी कब्रें हैं। यह समूह विश्व धरोहर घोषित है तथा भारत में मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। इस मकबरे में वही चारबाग शैली है जिसने भविष्य में ताजमहल को जन्म दिया। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम के आदेशानुसार सन 1562 ईस्वी में बना था। सन 1993 ईस्वी में इस इमारत समूह को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। नंबर 10, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित एक मस्जिद है जो लाल पत्थरों और संगमरमर का बना हुआ है। लाल किले से महज 500 मीटर की दूरी पर जामा मस्जिद स्थित है जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण सन 1650 ईस्वी में शाहजहां ने शुरू करवाया था। बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से निर्मित इस मस्जिद में उत्तर और दक्षिण द्वारों से प्रवेश किया जा सकता है। पूर्वी द्वार केवल शुक्रवार को ही खुलता है। इसके बारे में कहा जाता है कि सुल्तान इसी द्वार का प्रयोग करते थे। इसका प्रार्थना गृह बहुत ही सुंदर है। इसमें 11 मेहराब हैं, जिसमें बीच वाला मेहराब अन्य से कुछ बड़ा है। इसके ऊपर बने गुंबदों को सफेद और काले संगमरमर से सजाया गया है जो निजामुद्दीन दरगाह की याद दिलाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दिल्ली की सभी जगहें एक साथ एक वीडियो में कवर नहीं की जा सकती थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और रोचक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।